में गाना है. The series is x into x plus y plus x square into x square plus y square. X cube into x cube plus y cube. Up to n terms. If you write term over time, one term, two term, and so on. Find the sum of the series. Find the sum of the series.
चलो देख लेते हैं, ओके देख लेते हैं, जिसका हो गया बताना किसका करेक्ट है। तो अब ऑब्जर्वेशन है इसमें, आई क्यू टू ऑब्जर्व क्यू को ली, 3/4 इज 1 - 1/4, 7/8 इज 1 - 1/8, दिस हाफ इज 1 - 1/8, दिस 3/4 इज 1 - 1/4, दिस इज 1 - 1/8, 1 - 1/16, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। अब 1 - 1/8 का मतलब ये n बार होगा, तो 1 + 1 + 1 n माइनस, अब ये अंदर एक जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशियो इज 1/2, तो दिस इज फर्स्ट टर्म इज 1/2, r की पावर 1 - r की पावर n, तो 1 - r इज 1/2, इसकी पावर n अपॉन 1 - 1/2, दैट्स इट, n माइनस। So you can simplify, ये हाफ से कैंसिल हो गया, n माइनस 1 प्लस, फाइनली गेट लाइक दिस, ये 1 - 1/2, 1/2, ये 1/2 से कैंसिल, n माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर n, दिस इज द सम। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, लेट्स से मैंने n को 1 रखा, तो यू कैन यू विल गेट 1 - 1 = 1/2 की पावर 1, फर्स्ट टर्म आ गया। n को 2 रखा तो 2 - 1 इज 1, तो 1 + 1/4, सॉरी गलत था, तो 1 + ये सही है, दोनों का सम आया, टर्म हो गया, इन दोनों का सम है 5/4, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो जो किया है करेक्ट किया है, किस किस का आया था सही, झूठ मत बोलना। 1, 2, 3, 4, 5,
चलो देख लेते हैं। Second term, fourth term, sixth term, they are in 80 per GB with a common ratio half. And another GB is first, third term, 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. तो जो 2, 4, 8 वाली 16 है ना, वो सोचो, 55 है. आगे आगे अगर मतलब 40, 54 होते, तो दोनों में 27, 27 बोलता. लेकिन मैंने start किसी किया 2, 4, 8, 16 वाले से. तो इसमें ज़्यादा होंगे ना terms. मतलब जो ये वाली सीरीज है 2, 4, 8, 16 वाली, इसके अंदर देयर विल बी 28 टर्म्स. और जो प्लस दूसरी वाली बची 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन, दिस इज कॉमन रेशो हाफ वाली, इसमें 27 टर्म्स. हम नया चिन्हें अब बताओ ऐसे मुझसे कर लो, कैसे काम करेगा? तुमने इधर 17 किया उधर 28 किया, किसका परफेक्ट है? एक दो तीन कहाँ से आया परफेक्ट? ये मुनीन किया था तुमने पहले? मेथड वन तो गलत हो तो बात नहीं कर, एक दो तीन चार पाँच छः, चलो इंक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है क्लियर को? तो अगर अब इसमें कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू टू, ए इज टू एंड एन इज 20, बस प्लग करना है वैल्यू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस है, और इसमें आर इज हाफ एंड विल बी 27 एंड ए विल बी 2. कोई और तरीका किसी में नहीं ना? देखिए चलो नेक्स्ट, क्लियर है यहाँ तक? कॉपी हो गया जिसने नहीं किया था? ट्रिग्नोमेट्री को बुलाया आज क्लास में तो बोला था ना, लाइफ में तो बोले रीजन क्या था ना, मैं मैथ्स का चालू हुई है इन रीजन क्या था, टेक्नोमेट्री का तीन दिन पड़ रहा है क्या, कल गया था ठीक है ना, दिन दो दिन तो आज हम का चला गया था. कोई बात और कुछ नहीं था गया रिवीजन में, मतलब ये मैं सोचता हूँ कि मतलब अपन एक एक अच्छे से पढ़ने वाले हैं, रिवीजन में मतलब जो अपन ने 30 दिन में पढ़ा है वो 3 दिन में पढ़ते हैं ओनली, जस्ट ओवर वी. तो नेक्स्ट लिखो, फॉर्मूला बता दूँ एक जो शायद पता हो किसी को, मैं बता देता हूँ मुझे, यूज दिस फॉर्मूला, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, पता है एन के नहीं नहीं हाँ कॉम्प्लेक्स में बताया है ना, अच्छा नहीं पता, हाँ कॉम्प्लेक्स में हमने बताया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स में बता रहा है जेड की पावर एन माइनस वन जब किया था अपने, जेड को बार बार एन लिख के बताया जाएगा. आता है ईश्वरी? तुमने तो मुझसे शीट भी ली थी कॉम्प्लेक्स अलग से, तुम्हें एक क्लास में
और y की पावर क्या होगी? कैन यू सी जो वेरिएबल्स का सम है
माइनस वन प्लस वन एन एन माइनस टू प्लस टू एन क्योंकि एक बढ़ा रहा है घटा रहा है तो एक कॉन्स्टेंट रहेगा ना वेरिएबल का सम तो इधर बात करते क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस टू सॉरी इधर लिख दिया था ना ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट तो एक्सपोनेंट का सम कितना है एन माइनस वन ना तो इधर एन माइनस टू और लास्ट में एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन माइनस कहाँ कहाँ और मिले यार एक्चुअली दो तीन बच्चे तो ऐसे मिले मुझे इस क्लास में कम से कम जिनको पढ़ाने में मोटिवेशन मिले लेकिन मिल ही नहीं पा रहा है आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन फाइव स्टूडेंट्स तीन चार बच्चे भी हों तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले कोई बात नहीं अब कर ऊपर पास
minus y is a multiplier. बाकी तो डिवाइड किया उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ x माइनस वाई और न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ अंदर तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू दिस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इंटू दिस ब्रैकेट अभी वाले फॉर्मूले से दैट इज एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर एंड सो ये एक टर्म ये पूरा दो टर्म मतलब ये सेकंड ब्रैकेट से बना है ना तो एज ऑफ नाउ देयर आर टू एन टर्म्स एन टर्म्स तो एक्स वाली है और एन टर्म्स वाई वाली है तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई अब मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ उसका अलग से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन दीज आर एन टर्म्स माइनस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर फोर एंड सो ऑन अगेन एंड दिस इज द जीपी विद द कॉमन रेशियो एक्स दिस इज द जीपी विद द कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स आर एन तो ये सिंपली वन अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा है फर्स्ट टर्म इंटू एक्स की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन वन दिस इज द आंसर क्या वो मूल कितों का हुआ था दो दो तीन चार
देखो नेक्स्ट आई वांट ए ज्योमेट्रिक मीन देखो नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों पहले छोटा सा नोट चलो ठीक है ज्योमेट्रिक मीन लिखी है ना क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन बताया कभी जैसे अल्फाबेटिक मीन होता है अल्फाबेटिक मीन निकालने के लिए क्या नंबर्स को एक ही होना जरूरी नहीं ना मैं तो बोलते 105 का निकालो 1 + 5 = 1.2 मैंने कहा 1 + 1 = 1.5 और 3 का निकालो ठीक है तीनों को ऐड करके डिवाइड कर तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वो तो था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एक दो नंबर में जनरल नंबर्स के लिए होता मतलब मैंने तो 4 नंबर लिए तो मैंने बोला कि जैसे दो नंबर होते थे जैसे मैंने बोला ए और बी है ये तो शायद बच्चों को याद रहता है रूट ए बी बट मैंने बोला ठीक है नंबर बढ़ा देता हूँ मैं मतलब मैंने ए बी सी लिया है ना ए बी और सी ये तीन नंबर्स हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अर्थमेटिक मीन तो मैं लिख रहा हूँ ए एन इज ए प्लस बी प्लस सी बाय व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन सर इसका भी लिखिए देखो अपन पूरा इस दो नंबर हैं और भी तो इनका अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाय ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी तो मैं कह रहा हूँ जिससे कंप्लीट ना हो रूट ए बी को मैं ऐसे लिखा हूँ प्रोडक्ट की पावर 1/2 इधर क्या करूँगा प्रोडक्ट की पावर तीन नंबर है 1/2 मतलब ए इंटू बी इंटू सी इसकी पावर 1/3 सिमिलरली मान लो मैंने 4 नंबर ले लिए ए बी सी डी ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी इसकी पावर 1/3 अब जनरलाइज कर ले मैंने कहा एन नंबर्स हैं ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन इनका ज्योमेट्रिक मीन अच्छा क्या लिखूँ ए वन इंटू ए टू इंटू एंड सो ऑन ए एन इन सभी का प्रोडक्ट होल पावर 1/n अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग पाई ए वन ए टू ए थ्री वगैरह को मैं लिख सकता हूँ इट इज पाई ए आर आर गोज फ्रॉम 1 to n इतना लिखने में मैंने इतना लिख चुका ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए फोर इंटू ए फाइव अप टू ए एन बट इसका होल पावर 1/n चाहिए इसका होल पावर 1/n सो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर ज्योमेट्रिक मीन में निकालने की जरूरत नहीं है जीपी में नंबर्स हो अगर है तो कुछ स्पेशलिटी होगी वो भी हम देखेंगे जैसे ए एन में था अगर नंबर्स ए पी में हैं तो सिमेट्रिक टर्म्स का एन बराबर होता था उसी तरीके से जगह ज्योमेट्रिक में ही वही होगा बट बिफोर दैट कॉपी दिस पार्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर रेज टू द पावर 1/ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर की पावर 1/ एन टू का तो स्क्वायर रूट हो गया एन थ्री है तो क्यूब रूट हो गया लाइक दैट कल जीपी की शीट करके लाना है ना एटलीस्ट सिंगल करेक्ट कर कुछ भी नंबर ले लिए
that is simply 2 into 1 into 1.8 skip out of the line. वो तो सिंपल जो नाइन टेन में पढ़ते हैं, बट अगर नंबर जीबी में है तो स्पेशलिटी क्या होगी, क्या बोला मैं, जैसे एम की तरह व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट कि अगर नंबर जीबी में है तो क्या होगा स्पेशलिटी, ठीक है, एम में क्या होगा अगर नंबर एबी में है तो Yes.
और यही चीज क्या हो जाएगी विदिन टू टर्म्स के gm के बराबर इट्स नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन अब मैंने बोला इवन है लेट्स से ये 6 कर दिया तो मेरे को a3 a4 ये मिडिल टर्म तो 6 से 3 को कैसे लिखूंगा 6 / 2 और फिर अगला टर्म कैसे लिखूंगा 6 / 2 प्लस 1 तो बेसिकली ये a और n के टर्म्स में लिखूं a n / 2 और a n / 2 प्लस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट इसकी पावर 1 / 2 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन तो क्या लिखा हूं देखना a n / 2 दिस इज वन टर्म n2 सेकंड मिडिल टर्म इज a n / 2 प्लस 1 ये अगला 1 लिखा है ये 1 इसमें और इसमें अंतर है ये तो n + 1 / 2 लिखा है ये n / 2 + 1 लिखा है इन दोनों का प्रोडक्ट पावर 1 / 2 दिस इज बेसिकली ज्योमेट्रिक ये कब आएगा इफ n इज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कोई भी डाउट होना चाहिए दिस इज कंप्लीट अबाउट एजीएम सिमेट्रिक टर्म कैसे बचाना मैंने क्या बोला था लोअर सबस्क्रिप्ट का एडिशन शुड बी n + 1 जैसे मैंने बोला a3 के सबस्क्रिप्ट a3 का सिमेट्रिक टर्म क्या होगा एंड से तो 3 में क्या ऐड करूं कि n + 1 आ जाए n - 2 तो an - 2 सिमेट्रिक टर्म लोअर सबस्क्रिप्ट का एडिशन शुड बी n + 1
बात है, ऐसी बात है, सतत है। चलो लिखो, जितनी बारीक अभी हम जा पा रहे हैं उतना बारीक रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो सोचो एक चक्कर ही पड़ोगे ना,
come on, the sixth chapter may come. If you revise one chapter in a day now, then also it will take around 3 months to complete the syllabus. 3 months for revision. There are around child around. तो देखा है बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत इतने ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है, तो सोचो कि हमारा स्टेटस बहुत लो है इस कंपेयर टू, बहुत मेहनत लगाई है लोगों ने, पर एक सक्सेशन आ जाता है इतना ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको पढ़ाया है और अभी उनकी स्थिति ऐसी है। वो मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जो तुम लोग को पेपर मिल रहा है बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, इससे पहले जिसमें तुम्हारे आए थे हाईएस्ट इज 24 इन योर क्लास, वो स्टैंडर्ड पेपर था जो मैंने बनाया था, दैट वाज प्रॉपर स्टैंडर्ड पेपर, याद है ना, एक पेपर था जिसमें 24 आए थे और उसमें भी ऐसा था 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन पर रिपीट फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट, उसके बाद की हालत थी 24 मार्क्स आए। रहता मैंने क्लास में कराया है, क्लास में तो सब कुछ भूल जाता है इंसान, पेपर का तो कम से कम याद रहता है, वीडियो के क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी थोड़ी नहीं है, हाँ चले गए, हाँ चले गए। एक
ऑप्शन हो सकता है बैलेंस दे दिया कुछ हो जाएगा मान लीजिए गलत पढ़ने वाला ऑप्शन हो जाए वो बात अलग है 40-50 उस लाइन नहीं था 30-40-50 मार्क्स अच्छे होते हैं तो पेपर में जो स्टैंडर्ड था थोड़ा वो ऐसा पेपर था कि मतलब सीडी में भी जो बेसिक क्वेश्चन होते ना वो थे अच्छा तो जो चरण दिए आगे तो मार्क्स तो नहीं हाँ 70 अच्छे हैं उसमें 80 अच्छे क्या होगा बहुत मेहनत करी लेकिन ये भी बड़ी है मतलब सबको इतना टेंशन आता है कि सोचती थी कि कर क्या रहे हो तुम अपने इन द फ्यूचर कोई एहसान नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर देख के और अपना घर वालों को दिमाग में रखते हुए तैयारी करो ठीक है थोड़ा मोटिवेशन दो उनकी स्थिति देख के माना कोई हो भाई जिसके घर वाले हैं बहुत ज़्यादा रिच मतलब नहीं उनको बिजनेस कर सकता तो ठीक है लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता ना बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास से होना यू शुड थिंक योर दैट फैमिली हो सकता है वो सोच के तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले मे बी देखो नेक्स्ट लाइक A1, A2, A3 अप टू A24 A1, A2, A3 अप टू A24 RMGP and A1, A2, A2 and A1 into A2 into A7 into A18 into A23 into A24. This is equal to 64. Then find I A R R goes from 1 to 20. उनका पावर 1/6 64 की पावर 1/6 दैट इज 2 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एंटायर सीरीज
and product of series raised to power 1 by 24 is equal to 2. 24 उतर चला गया. Product of series is simply 2 raised to 24. देखो next insertion of geometric means. जल्दी करते हैं इसको so that even you will be able to attempt the DPP. Complete this topic. Insertion of geometric means. Just like insertion of AM. Let's say insertion of geometric mean. Geometric mean of A comma B. Geometric mean of A comma B. Geometric mean of A comma B is root AB. Geometric mean of A comma B is root AB. Or इसको क्या लिखेंगे? Or geometric mean की तरह कैसे? Or single geometric mean. इसी स्टेटमेंट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी रूट एबी को और कैसे लिख सकते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज रूट एबी सिंगल इसलिए बोला जरूरी हर बार सिंगल बोलू मैं दो ज्योमेट्रिक मीन बोल सकता फिर अलग आ जाएगा फिर रूट एबी नहीं आएगा रूट एबी अगर मैंने बोला दैट मीन दैट इज सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी अब मैंने बोला कि जैसे अपन ए एफ उसमें किया था मैंने बोला दो नंबर से ए और बी भी लिखना मती ए और बी इसके इसके बीच में मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं मतलब जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन जी एन एंड दीज आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी दिस मीन्स इन ए जी वन जी टू अप टू बी दे ऑल आर जी क्लियर यार अब उधर हमने क्या किया था दो तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था इसका बी निकालने का इधर आर निकाल सकते हैं देखा तो ध्यान से सुनना अब मैंने बोला कि अगर जी वन जी टू जी थ्री अब तो जी एन ज्योमेट्रिक मीन्स है तो ये जो सीरीज देखी है दिस विल बी जी पी तो जी वन अपॉन ए इज आर अब ये भी जी पी में तो ये जी टू अपॉन आर क्या जी टू अपॉन ए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सिमिलरली जी थ्री अपॉन ए आर क्यू जी एन अपॉन ए आर क्यू अपॉन ए आर क्यू क्या हो जाएगा D by R की पावर ऐसे समझ लो एंड अदर वे इज जनरल टर्म्स है हमें पता है ज्योमेट्री टी का जनरल टर्म क्या होता है टी ए इज इक्वल टू ए इनटू आर की पावर एन माइनस वन नाउ दिस इज द एन एथ टर्म सॉरी एन प्लस टू एथ टर्म एन के बीच में जी वन से जी है ये और भी दो तो बी इज एन प्लस टू एथ टर्म तो मैं इस वाले में एन प्लस टू रखा एन की जगह ऐसा बोला था जी एम अपॉन एर ऐसे जी थ्री अपॉन एन हुआ तो फाइनली मैं इस इक्वेशन से आर का लिखूंगा a को नीचे लेके आया तो b by a is r की पावर n plus 1 फिर क्या करूं n plus 1 को इधर ले जाते तो क्या होता है जब हम 2 को इधर लेके जाते तो 1 by 2 हो जाता है इसी प्रकार इस n plus 1 को मैं x के ऊपर ले जाऊंगा तो r क्या हो जाएगा b by a इसका पावर 1 upon n plus 1 इसी को कॉमन रेशियो ऑफ दिस अब मुझे जीवन निकालना है तो जीवन इज सिंपली a into r that is a into b by a की पावर 1 upon n plus 1 ना फादर उसको कर लेते हैं करेक्ट लिखा है मैंने बोला g2 a r square सॉरी a into r ठीक है ठीक है ठीक है तो ये हो गया a R square, तो R is V by A की पावर 1 upon N plus 1 तो ये मिल जाएगा 2 upon इसी तरीके से तुम जनरल लिख लेना G R या फिर G K A into R की पावर K A into
into r is v by a to the power a upon n plus. क्वेश्चन कर लेते हैं इसको वो तो बाहर है अंदर बनी है ना इसका
1 और तुमको ये बताओ अंदर क्या आएगा नेट मैंने ऐसे लिख दिया व्हाट इज व्हाट इज रिजल्टेंट इज दैट की नेट पावर क्या आएगी अंदर तो क्या करो ये 2 को अंदर लेके जाओ तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर अब a की पावर पहले x प्लस 1 माइनस 2 तो है माइनस तो अब बीच में ये बता सकते हैं a की पावर n प्लस 1 माइनस k क्योंकि हम k को पहले अंदर लेके जाएंगे b की पावर k a की पावर k तो a फिर अंदर जाएगा तो a की पावर n प्लस 1 माइनस k इनटू b की पावर k इसकी होल पावर बन रहा है ऐसे मतलब ज्यादा अच्छा लगता है इसका पॉइंट ऐसे n के भी कितने के बाद तो g1 आ जाएगा 1 माइनस n खत्म a की पावर n की आप ये देखना है इधर देखना एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूँ लिख लो पहले इसके बाद टॉपिक कर लेना बिकॉज़ आई एम लीविंग नाउ लेट बिटवीन 2 एंड 128 लेट बिटवीन 2 एंड 128 लेट बिटवीन 2 एंड 128 मतलब a is 2 b is 128 6 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड 6 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड देन फाइंड द थर्ड gn देन फाइंड द थर्ड gn g3 निकालना है इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 gn's आर इंसर्टेड ठीक है g3 निकालना ओके विल मीट टुमारो नहीं अच्छा लास्ट में है अपना रिवीजन वाला ओके जिसको दे रहा है बैठ के नो जिसको दूंगा बेटा पास पेपर जैसे जाना चाहिए